कड़वा होता है। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। सीधा सा सवाल देश नहीं झुकने देंगे मैं कि क्या कांग्रेस में 3G वर्सेस G23 की लड़ाई शुरू हो गई है क्या? अब बीजेपी 5G की स्पीड से चुनाव जीत रही है, कांग्रेस अभी भी 3G पर अटकी हुई है। 3G मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। कांग्रेस 3G पर अटकी हुई है, बीजेपी 5G की स्पीड से चुनाव जीत रही है और यही दर्द है G23 का। तो ये 3G वर्सेस G23 की लड़ाई शुरू हो चुकी है। सवाल ये कि क्या ये कांग्रेस में परिवार का एग्जिट पोल शुरू हो चुका है? एक एग्जिट पोल तो दिखाया था हमने और अब ये कांग्रेस में परिवार का एग्जिट पोल शुरू हो चुका है क्या? क्या कांग्रेस में परिवार अस्वीकार है? देश नहीं झुकने देंगे मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, कांग्रेस की बिल्कुल यही स्थिति है। 3G एक तरफ, 3G वर्सेस G23 कांग्रेस के, मतलब आप समझिए 3G मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, और G23 में तमाम चेहरे, उन नेताओं का ग्रुप जो 2020 से कांग्रेस में बदलाव की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के G23 इन नेताओं की कल रात को फिर बैठक हुई और सूत्र बता रहे हैं कि G23 के नेताओं ने तय कर लिया है कि वो पार्टी में, संगठन में बदलाव के लिए दबाव डालते रहेंगे और 3G वर्सेस G23 की लड़ाई किस हद तक पहुंच चुकी है, जो लड़ाई है ना 3G वर्सेस G23 की, कि पार्टी परिवार, पार्टी बढ़िया परिवार, पार्टी पर परिवार का कब तक कब्जा, गांधी परिवार का ही अध्यक्ष क्यों, गांधी परिवार से इतर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं सोच पा रही है, ये सारे सवाल कोई और नहीं पूछ रहा है। ये G23 के जितने नेता दिख रहे हैं ना, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, ये जितने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज बब्बर, मनीष तिवारी, शशि थरूर, ये 23 नेता है कुल मिलाकर, और एक तरफ तीन, तो 3G वर्सेस G23 अब तो सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है। G23 ग्रुप के नेता शंकर सिंह वाघेला ने सीधा कह दिया कि भैया यूपी में प्रियंका वाड्रा को कमान, पॉलिटिकल मिसफायर, समझिएगा इसको, सीधा हमला प्रियंका वाड्रा पर, शंकर सिंह वाघेला, मिसफायर प्रियंका वाड्रा को कमान। यही नहीं रुके उन्होंने, G23 ग्रुप को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है, राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है शंकर सिंह वाघेला। इससे पहले खुद कपिल सिब्बल कह चुके कि घर की कांग्रेस बन गई है और घर की कांग्रेस वर्सेस सबकी कांग्रेस, सबकी कांग्रेस होनी चाहिए लेकिन घर की कांग्रेस बन गई है। वो कह चुके कि गांधी परिवार अब दूसरों को नेतृत्व का मौका दे, मतलब गांधी परिवार कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दे। यह बयान सीधे सीधे गांधी परिवार को चुनौती दी कपिल सिब्बल साहब ने, सीनियर लीडर है पार्टी के और G23 ग्रुप के सभी नेताओं के इस बयान का उनको समर्थन भी है। G23 का ये मानना है कि अगर राहुल गांधी को पार्टी के लिए फैसला लेना है तो उन्हें पद भी ले लेना चाहिए, क्योंकि पहले सोनिया गांधी 19 साल, फिर राहुल गांधी, फिर उसके बाद फिर सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष और अब कहा जा रहा है फिर से राहुल गांधी, तो सोनिया गांधी राहुल गांधी, सोनिया गांधी राहुल गांधी, म्यूजिकल चेयर अध्यक्ष पद, और बिना पद लिए रहते हुए फैसले लेने से पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो क्या माना जाए कि अब जल्द कांग्रेस में परिवार युग की समाप्ति होने वाली है क्या? परिवार का एग्जिट पोल पार्टी से, परिवार मुक्त कांग्रेस क्या पॉसिबल है, संभव है, है तो है कैसे, यही हम समझने की कोशिश करेंगे आज मेरे साथ।